असलकम दोस्तों एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर हुआ हूँ उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे असल में मैं कल गया था मंडी में मुझे एक सियात तर की मादी लेनी थी तो फरमाइश थी एक दोस्त की जब मादी लेने के लिए गया वहाँ पे मामला उनसे पता किया भाई कितने की है मादी क्या है क्या नहीं है तो वो मादी को मादी तस्लीम नहीं कर रहे थे जानबूझ के मैं उसकी रकम पूछता वो मुझ मुझसे बोलते कि पैंतीस सौ चार हज़ार कभी किस वजह से तो बोलते हैं ये तो अभी निखरने वाला है नर है निखरेगा और शक पक है रिस्क है हालाँकि वो कन्फर्म मादी थी तो अगर आपके साथ ऐसे कोई मामला होता है उससे बचें और बड़ी मुश्किल से मैंने एक मादी वहाँ से खरीदी हर बंदा यही कह रहा था भाई ये निखरने वाला है बस नर रहे और निखरा हुआ नर अगर लेते हैं तो वो देखें उसको कलर न किया हुआ हो आजकल मामला बड़े अजीब व गरीब के हो गए पैसा कमाने के लिए किसी हद तक भी लोग चले जाते हैं तो यह ख्याल रहे कि नर निखरा हुआ हो अगर निखरा हुआ नहीं है तो ऐसे यानी एक बग़ैर निखरा हुआ ना लें जो कन्फर्म ना हो शक पक में वो ना लें और दूसरी बात यह है कि काला तितर अगर अगर लेते हैं तो उसमें ये देखें कि आप अपना खुद का हुनर इस्तेमाल करें जो वो बताता है उस पर मत करें बाजूक ये होता है उसकी बातें सच्ची भी होती हैं और फिर घर के तितर अपने रंग बदल देता है बाजूक इस तरह होता है कि लोग इसे बता देते हैं और वो सच नहीं होता जो चीज़ करनी है आप खुद चेक करें देखें उसको आजमाएं तितर को फिर लें किसी की बातों में आके मत लें इसमें ताल्लुक भी ख़राब होता है और बाजू का धोखे का निशाना भी बन जाते हैं लोग तो ये मामला देखें और मैंने तो तकरीबन ये काम भी छोड़ दिया है उम्मीद करता हूँ कि मेरी वजह से किसी को ये वीडियो सुन के किसी का भला हो जाए तो मेरे लिए बेहतर है और बाकी ये कि मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए हाफिज़